then if it's wonderful, give a nice big clap of और मुझे पता है ये रोंगटों को खड़ा करने वाला था. Beautifully performed. बहुत ही सुंदरता से इसे दर्शाया गया. Okay, now I call upon Vinod Sori to explain the fifth time that Jesus spoke from the cross. अभी मैं आगे बुलाती हूँ विनोद सोरे को कि वो हमें समझाए जो पांचवी बार प्रभु ने वचन कहे थे क्रूस के ऊपर. John 19:28. और यूहन्ना 19 अध्याय 28 वचन. And I request his wife to interpret for him. और मैं निवेदन करती हूँ कि पत्नी से कि वो उनके लिए अनुवाद करे. Father in heaven, in Jesus' name we come before you. स्वर्गीय पिता यीशु के नाम से हम आपके सामने आते हैं. We praise you, we thank you because you are the King of Kings and the Lord of Lords. हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं क्योंकि आप भी राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु हैं. We thank you for your great sacrifice upon the cross of Calvary for each and every one of us. हम धन्यवाद देते हैं उस अर्पण बलिदान के लिए जो आपने क्रूस पर किया था हम में से हर एक के लिए. Lord Jesus, we ask you this day speak to each and every one of us. प्रभु यीशु हम मांगते हैं कि हम में से हर एक से आज आप बात करना. And draw us closer to yourself. और आपके प्रति हम सबको आप करीब लेकर आना. We praise and thank you. आपकी स्तुति करते हैं और धन्यवाद देते हैं. In Jesus name. यीशु के नाम से. Amen. Amen. I'm reading from the Gospel of John, chapter 19, verse 28. और मैं पढ़ रहा हूँ यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 28 वचन. This is the fifth word of God. ये परमेश्वर का पांचवा वचन है. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, "I thirst." इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा हो, कहा, "मैं प्यासा हूँ." We see that the Lord Jesus was mercilessly crucified upon the cross of Calvary. हम देखते हैं कि कलवरी के क्रूस पर बहुत ही निर्दयता से यीशु को क्रूसित किया गया. He was hanging on the cross of Calvary in the hot sun. और वो गर्म ऐसी धूप में, तेज धूप में कलवरी के क्रूस पर लटकाए गए. His hands and nails and feet were nailed to the cross. और उनके हाथ और पैर को कीले से छेद दिया गया था क्रूस के ऊपर. He was wounded, he was bruised upon the cross of Calvary. और उन्हें पूरी तरह से घायल किया गया था, चोटिल किया गया था कलवरी के क्रूस पर. All that we could see on the cross was the wounds and bruises upon the body of Jesus. और यीशु मसीह के शरीर पर सिर्फ हम यही देख सकते थे कि पूरी तरह से उन्हें घायल किया था और पूरी तरह से चोटें. There was hardly any whole skin upon the body of Jesus. और यीशु मसीह के शरीर पर शायद ही कोई साबुत ऐसी खाल बची होगी. He was suffering pain and agony upon the cross of Calvary for each and every one of us. और कलवरी के क्रूस पर हम में से हर एक के लिए उन्होंने सारी दुख और यातनाओं को वो सह रहे थे. The great God who created the heavens and the earth. और वो जो महान परमेश्वर है जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया. The sea and the dry land, the hills and the valleys. और जो समुद्र और सूखी भूमि और सारी चीजों का निर्माण. He made the rivers and the beautiful waterfalls. और उन्होंने नदियों का और झरनों का निर्माण किया. The same God upon the cross of Calvary, he was thirsty and he cried and said, "I thirst." और वही परमेश्वर जिन्होंने सारी चीजों की निर्मिति की वो क्रूस पर पुकार उठे, मैं प्यासा हूँ. Jesus cried, "I thirst." और यीशु मसीह पुकार उठे, मैं प्यासा हूँ. This cry is not the cry of Jesus for water. और ये जो यीशु मसीह की पुकार है वो पानी के लिए नहीं है. This call is not for water. और ये पानी के लिए प्यास नहीं है. But this call is for each and every one of us. लेकिन ये जो पुकार है हम में से हर एक के लिए है. Jesus was not thirsty for water, but Jesus was thirsty for you and me upon that cross. और यीशु मसीह क्रूस के ऊपर पानी के लिए प्यासे नहीं थे, लेकिन आपके और मेरे लिए प्यासे थे. That's why he said, "I thirst." इसीलिए उन्होंने कहा, मैं प्यासा हूँ. This is a call for you and me today. और ये आज पुकार है आपके लिए और मेरे लिए. That Jesus is thirsty for us, and only if we bring ourselves truly to Jesus, we can truly quench his thirst. और ये हमारे लिए पुकार है आज कि अगर हम अपने आप को यीशु मसीह के पास लेकर आए तो उनकी प्यास
को हम बुझा सकते हैं। We see and read about Samson in the Bible। और हम लोग पवित्र शास्त्र में शमशोन के बारे में पढ़ते हैं। That with the jawbone of a donkey, he killed 1,000 Philistines। और उसने गधे के जबड़े से हजार ऐसे फिलिस्तीनियों को घात किया। After defeating the enemy of God। और परमेश्वर के शत्रु का नाश करने के बाद He became so thirsty. वो इतना ज़्यादा प्यासा हुआ. After killing 1,000 people at one stretch. और एक ही बार में उसने हजार लोगों को घात किया. That he cried out and prayed, Lord, you have brought such a great deliverance through me, but now shall I die because of this thirst? और वो पुकार उठा कि प्रभु आपने इतने सारे लोगों को मेरे द्वारा घात किया है और अभी क्या मैं मर जाऊं प्यास से? He was thirsty for water. वो पानी के लिए प्यासा था. But our Lord Jesus Christ upon the cross of Calvary. लेकिन हमारे प्रभु यीशु कलवरी के क्रूस पर. He was not thirsty for water. He was thirsty for you and me. वो पानी के लिए प्यासे नहीं थे, लेकिन वो प्यासे थे आपके और मेरे लिए. Jesus Christ is a great conqueror. और यीशु मसीह बहुत ही जयवंत परमेश्वर है. After disarming all principalities and powers. और सारी जो प्रधानताएं हैं और अधिकारों का नाश करने के बाद. After destroying every work of the devil. और शैतान के हर एक काम का नाश करने के बाद. Samson killed 1,000 Philistines. और शमशोन ने हजार फिलिस्तीनियों को घात किया. But Jesus on the cross destroyed the enemy of our souls. और यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर हमारे प्राण के शत्रु को घात किया. Samson was thirsty for water, but Jesus became thirsty for you and me because he gave his life as a sacrifice for all of us. और शमशोन तो पानी के लिए प्यासा हुआ, लेकिन यीशु मसीह आपके और मेरे लिए प्यासे थे, उन्होंने अपना खुद का प्राण आपके और मेरे लिए दे दिया. He was thirsty for people like us. और वो लोग यीशु मसीह प्यासे थे आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए. What a great love Lord Jesus has shown on this day. और इस दिन पर क्या ही महान प्यार प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया. That when we were still sinners, Jesus died for us. कि जब हम पापी ही थे, यीशु मसीह हमारे लिए मरे. In other words, when we were still bitter, Jesus died for us. और दूसरे शब्दों में जब हम कड़वे थे, यीशु मसीह हमारे लिए मरे. Jesus was thirsty for us. यीशु मसीह हमारे लिए प्यासे थे. When the first time I heard that Jesus died for me and shed his precious blood upon the cross. और जब पहली बार मैंने ये सुना और जाना कि यीशु मसीह क्रूस पर प्यासे थे और मेरे लिए वो मरे. When apostle Solomon Isaac was preaching. जब हमारे प्रेरित पासवान सोलोमन आइज़ैक प्रचार कर रहे थे. I thought I am such a horrible person. और मैं सोच रहा था कि मैं तो क्या ही भयानक ऐसा मनुष्य हूँ. Such a horrible, sinful man. My life was so much bitter with sin. और मैं इतना ज़्यादा भयानक पापी था और मेरा जीवन पूरी तरह से पाप से कड़वा हो चुका था. My life was not like a crystal clear water. और मेरा जो पानी था, मेरी जो जीवन था, वो शुद्ध पानी के समान नहीं था. Like a sweet cold drink that we all drank and we enjoyed. और जैसे कि वो जो मीठा ठंडा पेय हम सब ने अभी लुफ्त उठाया है. But my life was bitter with sin. लेकिन मेरा जीवन पाप से कड़वा था. But still Jesus was thirsty for me. I thank Jesus for his great sacrifice. और लेकिन फिर भी यीशु मसीह मेरे लिए प्यार से और मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के प्यार के लिए. I thank Lord Jesus for his great sacrifice for all of us. और मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु को उनकी महान बलिदान के लिए जो हम सब के लिए उन्होंने दिया. I thank him for his great thirst for you and me. और मैं धन्यवाद देता हूँ उनकी महान प्यास को जो आपके और मेरे लिए है. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is same yesterday and today and forever. यीशु मसीह एक समान है कल आज और युगानुयुग के लिए. We read in the Bible when God's people were thirsty, the Israelites were thirsty in the desert. और हम लोग पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र में जब इजरायली के जो लोग थे वो प्यासे थे पानी के लिए. God tore the rocks and brought water out of the rock for them. और परमेश्वर ने चट्टान को तोड़कर उनके लिए पानी वहाँ पर मुहैया करवाया. This same God when he came down on this earth and gave his life on the cross of Calvary. और वही परमेश्वर जो इस पृथ्वी पर उतर आए और कलवरी के क्रूस पर उन्होंने हम सबके लिए अपनी जान दी. When his people are thirsty, this God is such a wonderful God that he is able to tear the rocks and bring water for them. और वही परमेश्वर इतने सर्व सामर्थी है कि ऐसे लोगों के लिए वो चट्टान को तोड़कर पानी मुहैया करवा सकते हैं. But the same Jesus upon the cross of Calvary, when he cries, I thirst.
और वही यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर पुकार उठते हैं, मैं प्यासा हूँ। What does he expect from us? हमसे वो क्या अपेक्षा करते हैं? Does he is expecting that we go in the mountain and put a dynamite and blow the rocks and bring water and quench his thirst? और क्या वो हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम बम लेकर जाएं और विस्फोटक के साथ उस चट्टानों को तोड़ दें और उनके लिए पानी लेकर आएं? No, he is not expecting that. वो हमसे ये अपेक्षा नहीं करते। But he expects that we do not harden our hearts. और वो हमसे अपेक्षा करते हैं कि अपने दिल को हम कठोर ना करें। But we tear our stony hearts and bring ourselves to him. और हम अपने कठोर हृदय को तोड़कर उनके सामने लेकर आएं। That can really quench his thirst. जो उनकी प्यास को बुझा सकता है। And bring millions and millions of lost souls to him because he gave his life for each and every one of them. और अरबों खरबों लोगों को हम उनके पास लेकर आएं क्योंकि उन्होंने अपनी जान हम सबके लिए दी। Jesus gave his life for all of us on the cross of Calvary. और कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह ने अपनी जान हम सब के लिए दी। That each one of us would truly come to him and be saved and have everlasting life in heaven. कि सच्चाई में हम सब उनके पास आए और अनंत काल का जीवन हम उनके द्वारा पा सकें। Jesus is thirsty for our souls to be saved. और यीशु मसीह प्यासे हैं कि हमारे प्राण बच जाएं। On the other hand, the devil is thirsty to see our souls burn in the hellfire. और उसके ही विपरीत जो शैतान है वो प्यासा है ये देखने के लिए कि हमारी आत्माएं जलती रहे उस नर्क की आग में। This day, the cry of Jesus comes to each and every one of us. और आज यीशु मसीह की पुकार हम में से हर एक के पास आती है। He says, I thirst. वो कहते हैं मैं प्यासा हूँ। Whose thirst are we going to quench? The thirst of Jesus or the thirst of the devil? और हम किसकी प्यास बुझाने की इच्छा रखते हैं, यीशु की या शैतान की? Hallelujah. Hallelujah. In the Word of God, there is a story about David. और ये पवित्र शास्त्र में एक कहानी है दाविद के बारे में। One day David was in the caves. और एक बार दाविद गुफाओं में था। And that time the Philistine army had come in Bethlehem. और तब फिलिस्तीनी सेना आई थी बेतलहम में। That time David says, और तब दाऊद कहता है, with longing he said, if anybody could give me a drink from the well that is in Bethlehem. और वो इंतजार करके मांगता है कि कोई क्या जाकर बेतलहम से पानी लेकर आ सकता है मेरे लिए। David had three faithful men. और दाऊद के पास तीन ऐसे वफादार लोग थे। When they heard this, जब उन्होंने ये सुना, they broke through the camp of the Philistines. और फिलिस्तीनियों की छावनी को तोड़कर वो गए। And they went to the well of Bethlehem and brought water out of it and brought it to David. और वो बेतलहम के कुएं में जाकर पानी लेकर आए और दाऊद को दिया। But when they came to David, David didn't drink that water. लेकिन जब वो दाऊद के पास उस पानी को लाए, दाऊद ने उस पानी को नहीं पिया। But he poured out that water before the Lord. लेकिन परमेश्वर के सामने उसने उस पानी को उंडेल दिया। He said, "How shall I drink this water?" और वो कहने लगा, मैं कैसे ये पानी पी सकता हूँ? Because this man put their lives in danger and at the risk of their life they brought this water. और वो कहने लगा कि मैं कैसे ये पानी पीऊं क्योंकि ये जो लोग हैं उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर और खतरा उठाकर ये पानी उन्होंने लाया है। Hallelujah. Hallelujah. If this man could do it for David. अगर ये लोग दाऊद के लिए ये कर सकते थे। How much more we have to do for the Son of the Living God. और हम में से I thirst. जब वो पुकारते हैं और कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। He is thirsty for you and for millions of lost souls. और वो प्यासे हैं आपके लिए और अरबों ऐसे जो आत्माएं हैं उनके लिए। These men put their lives in danger. और ये जो लोग थे उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाला। Because of David. दाऊद के कारण। How much more we have to put our life in the service of Jesus, who is the King of our church. और हम में से कितना ज़्यादा हमें अपने जीवन को यीशु के कार्य में देना चाहिए, उनकी सेवा में डालना चाहिए, जो हमारी कलीसिया के राजा हैं। There is really, I'm telling you, there is no church like the Church of the Living Waters. और मैं सच्चाई में आपसे कहता हूँ कि कोई भी कलीसिया जीवित जल की कलीसिया से बड़ी नहीं है। Because this church is really quenching the thirst of Jesus. क्योंकि ये जो कलीसिया है यीशु मसीह की प्यास को बुझाती है। God in an audible voice himself spoke to our priests in charge
the name of this church, that the name of this church will be the Church of the Living Waters. और परमेश्वर ने बहुत ही स्पष्टता से हमारी भविष्यवक्ता के कान में ये आवाज सुनाई दी कि इस कलीसिया का नाम होगा जीवित जल की कलीसिया. This church is bringing millions and millions of lost souls to God's kingdom. और ये कलीसिया है जो परमेश्वर के राज्य में अरबों खरबों ऐसी आत्माओं को लाती है. Same thing, we have to put our life in the service of this church. We have to put our lives in the service of Jesus Christ, our King. और ऐसे ही हमें भी अपने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की सेवा में लाना है, उनके राज्य की सेवकाई के लिए और इस कलीसिया की सेवकाई के लिए हमें लाना है. When Jesus cries and says, "I thirst," और यीशु मसीह पुकार कर कहते हैं, "मैं प्यासा हूँ." It's a cry for all of us. और वो जो पुकार है हम सब के लिए. When on that day Jesus cried, "I thirst," it didn't move anybody. और जब यीशु मसीह ने उस दिन पुकार कर कहा, "मैं प्यासा हूँ," कोई भी वहाँ पर नहीं हिला. Nobody dared and said, "I will go and bring water and quench the thirst of Jesus." और किसी ने भी ऐसा नहीं किया कि वो कहे कि मैं जाकर पानी लेकर आता हूँ और यीशु की प्यास बुझाऊंगा. Even today, Jesus is thirsty for all of us. और आज भी यीशु मसीह प्यासे हैं हम में से हर एक के लिए. And when he says, does his cry move our hearts? और जब वो ऐसा कहते हैं तो क्या हमारे दिलों से हम सब हिलाए जाते हैं? If truly we love him and we are faithful to him and this cry is moving our hearts. और अगर सच्चाई में हम उनके प्रति वफादार हैं और अगर हमारे दिल में उनके लिए प्यार है तो क्या ये पुकार हम सबको हिला सकती है? Let us truly bring ourselves to Jesus. आइए हम सच्चाई में अपने आप को यीशु के पास लेकर आएं. Let us truly bring the lost souls to the feet of Jesus. और आइए हम खोई हुई आत्माओं को यीशु मसीह के चरणों के पास लेकर आएं. Let us truly quench his thirst. और आइए हम सच्चाई में उनकी प्यास को बुझाएं. Hallelujah. Hallelujah. May God add his blessing to these words. और इन वचनों पर प्रभु यीशु मसीह अपनी आशीष को. Now a song by the choir and congregation, "He Was Pierced." Congregation, please stand. Thank you.
Samantha Sharma to explain the sixth time what Jesus spoke from the cross. अभी मैं आगे बुलाती हूँ रविता शर्मा को कि वो मैं समझाए जो छठी बार प्रभु ने क्रूस के ऊपर से जो वचन कहे थे. John 19:30. और यहूदा रचित सुसमाचार 19:30 वचन. And I request Preeti Gorse to interpret for her. और मैं निवेदन करती हूँ प्रीति गोरसे को कि वो उनके लिए अनुवाद करे. So bow our heads together for the prayer. सर्वशक्तिमान प्यारे परमेश्वर. Almighty Father in heaven. आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं. We want to thank you in your loving son Jesus name. धन्यवाद देते हैं पिता दिल की गहराइयों से. Lord from the bottom of our hearts we want to thank you. इस दिन के लिए मेरे प्रभु. For this beautiful day Lord. हाँ प्रभु उत्तम शुक्रवार. Yes Lord good Friday. हम धन्यवाद देते हैं पिता ये हमारे जीवन में आया. We thank you Lord that this day has come into our lives. धन्यवाद पिता जो आपने हम सब के लिए किया. Thank you Lord for everything you have done for us. प्रभु हम आपसे मांगते हैं. Lord we want to ask you this day. प्रभु होने दीजिए मेरे और सिस्टर प्रीति का आप अपने दोहरे अभिषेक से हमें भरना प्रभु जी. That Lord you anoint sister Kavita and myself with a double portion of your anointing. प्रभु ताकि जो कुछ आपने हमारे लिए किया. So that Lord whatever you have done for us. हम इस मुख से आपकी महिमा कर सके. We'll be able to glorify your name through our mouths. और प्रभु होने दीजिए. And Lord may it happen. कि हम इस क्रूस के अर्थ को सही रीति से जानने पाएं. That we'll understand the true meaning of the cross. प्रभु आगे का सारा समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं. Lord, rest of the time we commit into your hands. और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. And we ask this prayer in Jesus name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. उत्तम शुक्रवार. Good Friday. वाकई ये हम सब के लिए उत्तम शुक्रवार है. Truly it is a good Friday for each and every one of us. सिर्फ इसलिए नहीं कि आज हम सब एसी हॉल में बैठे हैं. Not because we all are seated in an AC hall. लेकिन कोई था जिसने हमारे लिए कड़कती धूप में उस क्रूस को उठाया. But there was someone who, in that scorching sun, was crucified on the cross for us. ताकि हम सब आज यहाँ बैठ सकें. So that we all could sit here. हमने अभी पांच वचन सुने. And now we've heard five verses. जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से बोले थे. What Lord Jesus Christ has said on the cross. और उनका छठा वचन जो क्रूस पर से बोला गया. And the sixth verse that He spoke from the cross. यूहन्ना 19:30. John 19:30. पूरा हुआ. It is finished. ये वाक्य वो कह रहे थे. And he was speaking the sentence. जिन्होंने कहा था मैं अल्फा और ओमेगा आदि और अंत हूँ. The one who said I am the alpha and the omega, the beginning and the end. और अब वही सार्वजनिक रूप से क्रूस पर से कह रहे थे. And now he for each one of us he was speaking on the cross. कि पूरा हुआ. That it is finished. क्या पूरा हुआ. What is finished. क्या उनका शारीरिक कष्ट. That whatever physical trauma he had, जो उनके सहने से बाहर हो गया था, which he could not bear any longer, उनकी तकलीफ, whatever problems he had, उनका दुख, whatever sorrows he had, उनकी यातनाएं, whatever pain he had, यदि हम संसारिक दृष्टि से देखें, तो हम कहेंगे शायद हाँ, and if we look from the point of view of the world, then we might say yes. पर अगर हम विश्वास की नजर से देखें, but if we see with the eyes of belief. तब हम जानेंगे कि क्रूस सिर्फ उतना नहीं था. Then we know that the cross was not only about that. क्रूस का मतलब सिर्फ शारीरिक कष्ट नहीं था. The cross didn't only meant physical agony. पर क्रूस तो वो था जो उन्होंने सहा, नहीं जो किया. And cross was not what he bore, but what he did. क्रूस का अर्थ वो था जो उन्होंने हमारे लिए किया. And cross meant what he has done for us. यीशु मसीह जब इस धरती पर आए, When Lord Jesus Christ came on this earth, वो सब जानते थे. He knew everything. वो जानते थे कि उनका छल किया जाएगा. He knew that he would be tortured. वो जानते थे कि उनको मारा जाएगा. He knew he would be beaten up. वो जानते थे कि कांटों का ताज उनको पहनाया जाएगा. He knew that a crown of thorns would be placed on his head. वो जानते थे कि उन्हें क्रूस उठाना पड़ेगा. He knew he would have to carry the cross. और इन सब चीजों के लिए वो स्वर्ग से तैयार होकर आए थे. But he was ready for all this when he came down from heaven. क्योंकि वो जितने मानवीय थे उतने ही ईश्वरीय भी थे. Because the more he was physical, that much more he was godly too. वे परमेश्वर की नजर में निर्दोष थे. And he was innocent in the sight of God. वो कानून की नजर में निर्दोष थे. And in the sight of law, he was innocent. फिर भी उनको सताया गया. Still he was tortured. उनको मारा गया. He was beaten. उनको क्रूस पर चढ़ाया गया. He was made to go on the cross. पर ये सब कुछ व्यर्थ में नहीं हुआ था. But this was not all done in vain. इन सब में हमारे परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना. But there was a mighty plan which the Father had. इतिहास की सबसे बड़ी घटना जो बाइबल बताती है वो यही है कि यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना.
and the greatest act which is recorded in history, which the Bible says is about the crucifixion of Christ. यीशु मसीह इस धरती पर रहने के लिए नहीं आए थे. And Lord Jesus did not come on this earth to stay. वो इस धरती पर मनुष्य को स्वर्ग का मार्ग दिखाने आए थे. He came on this earth so that he would show mankind the way to God. जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, When Lord Jesus came on this earth, उन्होंने व्यवस्था की जितनी बातें थी, And whatever the law stated, जितनी पुराने नियम की बातें थी, whatever the Old Testament stated, जितनी शिक्षाएं थी, whatever teachings were there, उन सब को अपने जीवन में पूरा किया. He fulfilled all of that in his life. यीशु मसीह ने कहा मत्तै 5:17 में, And Lord Jesus said in Matthew 5:17, यह न समझो कि मैं व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, पर लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. व्यवस्था की में प्राय सभी वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं. And in the law earlier, everything was cleansed by the blood. और लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं. And without the shedding of blood, there was no remission of sins. हमारे परमेश्वर सबसे पवित्र हैं. And our Father, He is totally pure. वो प्रेमी परमेश्वर है. He is loving. वो धर्मी है. He is righteous. लेकिन इसके साथ ही वो सच्चे न्यायाधीश भी हैं. But with that, He is a righteous judge. और इसीलिए वो ना पाप को सहमति देते हैं और ना पाप के साथ सहभागिता रखते हैं. That is why He doesn't agree with sin and doesn't At all agree with sin. और हम सब ने पाप किए थे. And we all have sinned. और हम अपने पापों की वजह से परमेश्वर से अलग थे. And because of our sin, we were separated from God. और पाप की मजदूरी मौत है. And the wages of sin is death. पर हमारे प्रेमी परमेश्वर, But our loving God, उन्होंने हमसे ऐसा प्यार रखा, He loved us so much, कि हमारे पापों की वजह से हमारा नाश नहीं किया, That He did not destroy us because of our sins. पर हमारे पापों का बोझ But he bore all the burden of our sins. उन्होंने अपने खुद के बेटे के ऊपर लाद लिया. He put it all on his beloved son. वो बेटा जो पाप से अज्ञात था. A son who was totally not knowing sin. वो पाप से रहित थे. And he did not have sin of his own. और ना ही उनके मुख से कभी कोई छल की बात निकली थी. And never he spoke anything which was wrong. पर परमेश्वर ने हमारे लिए उनको पाप ठहराया. But Father in heaven made him sin for us. ताकि उसमें से होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं. So that through him we might be made the righteousness of God. पहले हर साल पापों की याद में बैलों और बकरों का लहू बलिदान किया जाता था. And previously every year they used to offer the sacrifice of goats and of bulls. और ये बलिदान हर साल किया जाता था. And this used to be done every year. जब परमेश्वर का निष्कलंक मेमना इस धरती पर आया, And when the innocent without blemish lamb of God came down, उन्होंने आरंभ से लेकर अनंत तक के हर पल के पाप को अपने ऊपर ले लिया. From the beginning till the end, whatever sin was there, he took it all upon himself. जो पाप से अज्ञात था, Who knew no sin, पर हमारे सारे पापों को परमेश्वर ने अपने पुत्र के ऊपर लाद दिया. But all our sins, the Father laid it on his son. वो निष्कलंक मेमना, And he who was totally innocent, वो क्रूस पर हमारे पापों की खातिर बलिदान किया गया. And he was crucified on the cross only for our wretched sins. वो एक ही बलिदान, एक बार और सर्वदा के लिए हम चुराए गए. And that one sacrifice. And that one sacrifice once and for all, and we are saved because of that. बार बार बलिदान चढ़ाना बंद हुआ. And now no more sacrifice. बस एक बलिदान एक बार और सर्वदा के लिए. Only one sacrifice once and for all for everlasting. भूतकाल वर्तमान काल भविष्यकाल. Past present and future. हमेशा के लिए. Forever. हम सब का भुगतान किया गया. Everything was bought for us. हम सबको खरीदा गया. We all were